हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभिजीत विश्वास। इस चैनल पे जनरली मैं बात करता हूँ फायर अलार्म सिस्टम के ऊपर, टेक्निकल नॉलेज के ऊपर, न्यू आइडियाज़ एंड रिव्यूज़ के ऊपर। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको इमिडिएटली मिलना चाहिए, राइट? तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज का टॉपिक है फायर अलार्म सिस्टम डिटेक्टर डिवाइसेस का माउंटिंग हाइट को लेकर। इंजीनियर्स जो डिजाइन करते हैं उसी डिजाइन के ऊपर बेस करके साइट में एग्जैक्टली उसका इंस्टॉलेशन किया जाता है, राइट? सो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम लोग अपने डिजाइन को और भी परफेक्ट और भी प्रॉपर करें कि साइट में जो इंस्टॉलेशन हो रहा है वो भी प्रॉपर हो, एंड ये एज पर द कोड एंड गाइडलाइन होना चाहिए। कोड यू नो NFPA, राइट? नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। आज एक ड्रॉइंग के थ्रू हम लोग इसको इजिली समझेंगे, तो चलिए ड्रॉइंग के थ्रू। सो फ्रेंड्स, ये है वो ड्राइंग जिसको लेके आज हम लोग समझेंगे कि डिटेक्टर डिवाइस का माउंटिंग हाइट क्या होना चाहिए। आप इसका सब्जेक्ट लाइन देख सकते हो या इसका टाइटल देख सकते हो, डिवाइस माउंटिंग हाइट रेफरेंस पर NFPA 72। मतलब यहाँ पे जितना भी आपको डायमेंशन दिखेगा ये सब एज पर NFPA 72 गाइडलाइन है, ओके? चलिए थोड़ा जूम करके देखते हैं। तो ये अगर आपका सीलिंग का लेवल हुआ एंड ये अगर आपका वॉल पार्टीशन हुआ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साइड वॉल और ये सीलिंग है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है मतलब एकदम कॉर्नर पॉइंट से 4 इंच इस साइड पे एंड 4 इंच डाउन साइड पे, तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे कोई भी डिटेक्टर आप प्लेसमेंट अगर करोगे तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। यू कैन सी हियर ही डिटेक्टर्स नेवर हियर, आई मीन नॉट ओनली ही डिटेक्टर्स, स्मोक डिटेक्टर्स ऑल्सो, मतलब कोई भी डिटेक्टर यहाँ पे आप प्लेस नहीं कर पाते हो एज पर द गाइडलाइन, ये एक्सेप्टेड नहीं है। तो डिटेक्टर का जो एज है, जो साइट एज है, वो हमेशा ये 4 इंच छोड़ के ही होना चाहिए। अब जहाँ पे ये डिज़ाइन कर रहे हो ये आपको याद पे रखना होगा। सेम साइट पे मतलब अब डाउन पे भी अगर साइड वॉल पे अगर डिटेक्टर माउंट करते हो तो उसका भी एज पॉइंट 4 इंच छोड़ के ही आपको लेना पड़ेगा। 4 इंच मीन्स अप्रॉक्स 100 mm, ओके? सो उसके बाद आपका जो नॉर्मल स्पेसिंग होता है आप मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट, जहाँ पे आपको साइट पे एसी सप्लाई और रिटर्न डिफ्यूज़र मिलेगा उसका जो एज है, उस एज से आपका डिटेक्टर का जो एज है उसका मिनिमम 3 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। 3 फीट मीन्स अराउंड 900 mm, ओके? फॉर द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द डिटेक्शन सिस्टम। नेक्स्ट, अगर नीचे आप जाओगे तो आपको दिखेगा, सपोज दैट इज़ अ डोर, ओके? ये आपका दरवाज़ा है, एग्जिट डोर है। सो आप एग्जिट डोर के साइड पे MCB प्लान करते हो, राइट? MCB को इंस्टॉल करते हो। सो MCB का जो सेंटर लाइन से डोर का एज है वो आप मैक्सिमम 5 फीट तक मेंटेन कर सकते हो। मतलब विद इन 5 फीट आपको MCB माउंट करना ही है, मैक्सिमम 5 फीट। मतलब उसके साइज मतलब कम भी कर सकते हो आप, नॉट बियॉन्ड दैट, बट 5 फीट से कम भी कर सकते हो। अगर उसका माउंटिंग हाइट देखोगे, सो ये अगर आपका फिनिश फ्लोर लेवल है, सो यहाँ से जो MCP का हैंडल है, पुल हैंडल है, वो आप मैक्सिमम रख सकते हो 1.2 मीटर तक, दैट इज 48 इंच, ओके? तो इस हिसाब से MCP का आप इंस्टॉलेशन हाइट प्लान कर सकते हो। सो दरवाजे के एज से मैक्सिमम 5 फीट उसके अंदर आपको रखना होगा एंड फिनिश फ्लोर लेवल से मैक्सिमम 1.2 मीटर और 48 इंचेस, ये मेंटेन करना ज़रूरी है। टेलीफोन जैक अगर आपको ज़रूरी है उस साइट पे, ऑब्वियसली उसका भी सेम आप मेंटेन कर सकते हो बिसाइड द MCP। MCP के बाजू में आप सेम हाइट पे उसको इंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट डिवाइस, अगर आप ऑडिबल डिवाइस पे जाओगे, सपोज दिस इज द हूटर एंड दिस आर द हूटर कम स्ट्रोब, ओके? सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टॉप सीलिंग लेवल से हूटर का जो टॉप है वो आप 6 इंच मिनिमम आपको रखना ज़रूरी है। 6 इंच मीन्स 150 mm अप्रॉक्स, ओके? तो ये अपना मेंटेन करना ज़रूरी होता है। एंड बॉटम लेवल से अगर आप देखोगे तो, वन सेकेंड, आई विल शो यू, 2.28 मीटर, यू कैन से 2.28 मीटर टॉप ऑफ द डिवाइस, ऑडिबल डिवाइस आप मेंटेन कर सकते हो, दैट इज मिनिमम। बट यहाँ पे एक पॉइंट है
आपको नोट करना जरूरी है, दैट इज यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर सीलिंग हाइट्स लेस देन 2.18 मीटर, मगर कहीं पे सीलिंग हाइट आपका साइट पे जो भी है 2.18 मीटर से भी कम होता है तो ये जो डिवाइसेस है हुटर कम स्टोव्स वगैरह दैट शेल सीट विद इन 6 इंच, ओके, तो जहाँ पे 2.18 मीटर से कम है सीलिंग हाइट तो अपना डिटेक्टर, आई मीन नॉट डिटेक्टर, आपका जो ऑडिबल डिवाइसेस है वो 6 इंच के अंदर आप माउंट करना ज़रूरी होता है, उसका जो लेंस है उसका हाइट एक्चुअली। आप वीडियो को बीच में पॉज करके ये डिटेलिंग पढ़ सकते हो, ओके, फॉर योर क्लैरिटी। सेम हुटरकम स्टोव का भी अगर आप हाइट देखोगे, सीलिंग लेवल से इसका हाइट मिनिमम 80 इंच है, आई मीन अगर मीटर में, मिलीमीटर में आप बोलोगे तो 2032 मिलीमीटर, एंड ये कहाँ तक है, बॉटम ऑफ द फ्लशर तक, मतलब ये अगर आपका फ्लशर हुआ उसका बॉटम तक ये हाइट मेंटेन करना ज़रूरी होता है एज पर NFPA। तो आप इसको नोट कर सकते हो या पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। सो ये सब हाइट एक्चुअल पे आपको एज पर NFPA कोड डिज़ाइन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके डिज़ाइन के ऊपर ही साइट पे इंस्टॉलेशन प्रॉपरली किया जाता है। सो गाइस, यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी आपको क्लैरिटी का और ज़रूरत पड़ता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए और मेरा मेल आईडी पे आप सेंड कर सकते हो। मेल आईडी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा तो मैं आपको उसका क्लैरिटी दे दूंगा। या अगर ड्राइंग आपको चाहिए होगा तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिखो तो आई विल सेंड दैट ड्राइंग टू यू, ओके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।